नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन अंबावता द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा जिला अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार का विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन अंबावता की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास प्रधान का आरोप है कि मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी द्वारा उनके जिला अध्यक्ष शाह आलम के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके चलते जिलाधिकारी को हटाए जाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्य रूप से मांगे, पिछले 40 दिन से NH 58 पे जो धरना चल रहा था हमारा किसानों के मूल मुआवजे को लेकर, उसको है। उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष हैं शाह आलम जी, इनके साथ जो जिलाधिकारी द्वारा बदतमीजी करी गई है, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। और इसके खिलाफ हमने लेटर चाहे प्रधानमंत्री जी को दिया जाए, राज्यपाल जी को दिया जाए, और हम इनको यहाँ से जल्द हटवाने का काम करेंगे। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, ये बताइए। दिक्कत ये है कि जिला अधिकारी किसानों की समस्याओं को, जिले की समस्याओं को सुनने के लिए होते हैं, ना कि कोई भी संवैधानिक पद पर है। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिला अध्यक्ष हैं, इनके साथ जो उन्होंने बदतमीजी करी है वो असहनीय है जी। तो उनको हम हटवाने का काम करेंगे, चाहे हमें प्रधानमंत्री जी के पास लेटर भेजना पड़े या हमें लखनऊ का घेराव करना पड़े, हम जाके घेराव करेंगे और इनको यहाँ से हटवाने का काम करेंगे। आपकी बात हुई सुबह से किसी अधिकारीगण से? अधिकारीगण से यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनको लेकर उनसे बात क्या करनी है, हमें जिनको हमें हटवाना ही है उनसे क्या बात करेंगे हम। तो आज और क्या मांगी थी आप लोगों की, सिर्फ एक ही मुद्दा था? और जो लगातार पिछले ये GST को लेकर, GST का मुद्दा है इसमें, जो सरकार ने ये छोटे व्यापारियों के ऊपर तानाशाही करने का जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर हमने, हमारी ये मांग है कि GST अधिकारियों को जल्द से जल्द हटाने का काम करें। छोटा व्यापार जो होता है, रेडी रपड़ी वाला जो होता है, ये कहाँ से GST लाएगा, कहाँ से ये GST के। लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा, धरना जब तक चलेगा जब तक ये हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी, जब तक ये जिला अधिकारी धरना, ये हमारा आज हम इसको अवगत करा रहे हैं, 3 बजे हम इसका ज्ञापन देंगे और उसके बाद जो इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ धरना चलाया जाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।